नमस्कार, मैं वसंत रावल, ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न के अंदर शुक्र का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न के लिए शुक्र सुखाधिपति और भाग्याधिपति होने के नाते जबरदस्त राज्यों करता ग्रह है। जहां भी बैठेगा, जहां भी दृष्टि करेगा, सभी जगहों पर बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा और सूक्ष्म दशा आएगी, तब ये सारी बातों का फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए देखते हैं, अगर आपकी कुंडली में, आपके घर वालों की कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो समझ जाना कि कुंभ लग्न की कुंडली है। सुखाधिपति शुक्र जब लग्न में बैठ जाता है तो बंदा दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी, प्रभावशाली, मनमौजी, शौकीन, गीत संगीत नृत्य नाटक कला क्षेत्र में रुचि लेने वाला, बहुत ही बुद्धिमान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाला, ज्वेलरी का शौकीन, घूमने फिरने का शौक रखने वाला, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम मिलेगा और पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा और पार्टनरशिप के धंधे से लाभ होगा। सुखाधिपति शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो कुटुंब का सुख अच्छा, धन का सुख अच्छा, बोलने में बहुत ही निपुण, एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा प्रवचनकार हो सकता है, अपनी सेल्समैनशिप से अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जाता है, एक अच्छा गायक बन सकता है। शुक्र की दृष्टि यहां होने के वजह से दीर्घायु प्राप्त करेगा, गुण विद्याओं में रसिक होगा। सुखाधिपति शुक्र तीसरे भाव में हो तो यहाँ पे शत्रु क्षत्रिय हो जाता है, बंदा बहुत ही मेहनतू पराक्रमी होता है लेकिन मेहनत के हिसाब से उतना प्रोग्रेस नहीं होता जितना होना चाहिए और धन कमाने के लिए छोटे मोटे प्रवास करने पड़ सकते हैं। पहली छोटी बहन का योग बनेगा और ऐसे लोग भी संगीत प्रेमी होते हैं, एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, कला क्षेत्र में यश जस कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं और दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पे है तो दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खेती से लाभ हो सकता है, पिता से ज्यादा धन कमाने वाले होते हैं और धार्मिक होते हैं और लंबी यात्रा करने वाले लोग होते हैं। शुक्र चौथे भाव में हो तो यहाँ पे स्वगृही हो जाता है और यहाँ पे दिशावली भी हो जाता है तो यहाँ पे मालवीय योग का फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा, मकान में इंटीरियर करवाएगा, लेटेस्ट गाड़ी खरीदेगा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाएगा, समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करेगा, सर्व सुखों की प्राप्ति करेगा और दीर्घायु प्राप्त करेगा, सुखी कुटुंब में जन्म लेगा और व्यापार करके विपुल धन की प्राप्ति करेगा। जीवन में बहुत सारा प्रवास करने के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। ऐसे लोगों को स्थावर मिलकत का लाभ हो सकता है और डिग्री प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। शुक्र की दृष्टि यहां होने की वजह से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अच्छे व्यापारी बनते हैं। सुखाधिपति शुक्र अगर पंचम भाव में हो तो पहली कन्या संतति होने का योग बनता है, जीवन में सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और सर्व सुख साधन संपन्न होते हैं, पढ़ाई में डिग्री प्राप्त करते हैं और इनके बच्चे भी बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, भाग्यशाली, होशियार बच्चे होते हैं। संतान के जन्म के बाद सुखों में वृद्धि होती है। ऐसे लोग देवी भक्त होते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा से लाभ होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है और कला के अंदर रुचि लेने वाले होते हैं, बड़े भाई मित्रों से लाभ होता है, स्त्री मित्र ज्यादा होते हैं। सुखाधिपति शुक्र का छठवें भाव में हो तो माता की तबियत नरम गरम रह सकती है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत लीगल डॉक्यूमेंट में ध्यान देना पड़ता है वरना कायदा कानून कोर्ट कचहरी के अंदर जाना पड़ सकता है। छठवें स्थान में शुक्र हो तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होते देखा गया है। ऐसे लोगों को घरगथ्थू इलाज में बहुत ही नॉलेज होता है, बहुत ही परोपकारी होते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार कम, नौकरी ज्यादा करनी चाहिए और खेती बाड़ी में रुचि लेने वाले लोग होते हैं। अपने मौसम के पीछे काफी सारा धन का खर्चा करते हैं, धन कमाने के लिए विदेश जाने के योग भी बनते हैं। सुखाधिपति शुक्र अगर पंचम भाव सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी सुंदर, सुशील, आकर्षक, नाजुक, तेजस्वी, नसीबदार, भाग्यशाली पत्नी होती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, माता का सुख अच्छा, डिग्री प्राप्त करते हैं, पार्टनरशिप से लाभ होता है,
और मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम होता है, समाज में मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं। शुक्र की दृष्टि यहाँ होने के वजह से बहुत ही खुश मिजाजी लोग होते हैं। सुखाधिपति शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे नीच राशि का हो जाता है, मकान सुख में देरी करेगा, वाहन प्रॉपर्टी सुख में देरी करेगा, अभ्यास में रुकावटें पैदा करेगा, भाग्य की हानि करेगा, वैवाहिक जीवन को दुखी करेगा, बुरी आदतें लग सकती है, कुटुंब का सुख अच्छा रहेगा, वाणी मीठी और अच्छी रहेगी। सुखाधिपति शुक्र अगर नवम भाव में हो तो यहाँ पे स्वद्रोही हो जाता है, बहुत ही बंदा भाग्यशाली नसीबदार होता है, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम मिलेगा, पत्नी का सुख भी उत्तम मिलेगा क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, विदेशागमन से लाभ होगा, बंदा धार्मिक होगा, यात्रा करने वाला होगा, समाज के अंदर लोकप्रिय होगा, छोटी बहन का योग बनेगा और भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्याधिपति शुक्र अगर दसम भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देगा, बंदा एक अच्छा व्यापारी बन के विपुल धन की प्राप्ति करेगा, समाज के अंदर उच्च पद प्राप्त करेगा और मान सम्मान कीर्ति यश जस प्राप्त करेगा, शरीर से शक्तिशाली होगा, आदरणीय पद प्राप्त करेगा, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकता है और ऐसे लोगों का मित्र वर्ग बहुत बड़ा होता है और समाज में लोकप्रिय होते हैं, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। शुक्र की दृष्टि यहां होने की वजह से माता मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम मिलेगा। सुखाधिपति और भाग्याधिपति शुक्र अगर जो लाभ भाव में बैठा हो तो बड़े भाई और मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई और मित्रों से रिश्ता भी अच्छा होगा, ऐसे लोग समाज के अंदर उच्च पद प्राप्त करते हैं, सुंदर वस्त्र अलंकार का शौक रखते हैं, पहली पुत्री का योग बनता है, डिग्री प्राप्त करते हैं और अभ्यास में रुकावटें आने के बावजूद आखिरकार डिग्री हासिल होती है, व्यापार के अंदर बहुत धन का लाभ प्राप्त करते हैं। सुखाधिपति और भाग्याधिपति शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो भाग्य की हानि करेगा, धन कमाने के विदेश जाना पड़ सकता है, मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदते समय लीगल काम में बहुत ध्यान दे वरना कायदा कानून कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, बुरी आदतों से दूर रहे वरना व्यक्ति व्यसनी बन सकता है, गलत संगत के वजह से बुरी आदतें लग सकती है, लग्न जीवन दुखी हो सकता है, बेफिजूल में खर्च करेगा। शुक्र 12वें स्थान में हो तो ऐसे लोगों को अपने स्त्री मित्र से भी संभल के रहना चाहिए। शुक्र का प्रेडिक्शन करते समय शुक्र का बलाबल भी देखना आवश्यक है, शुक्र का स्थान बल, काल बल, दिशा बल, दृष्टि बल, चेष्टा बल कैसा है वो भी देखना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कुंभ लग्न के अंदर शुक्र का 12 भाव में फल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।